वहीं दुर्ग निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने संभाला कामकाज, प्रभारी कमिश्नर आशीष देवांगन ने दिया चार्ज। चार्ज लेते ही नए कमिश्नर ने पहले दिन सभी विभागों का किया निरीक्षण। नगर निगम के नए कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय पहुँच अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन ने दिया चार्ज। इस मौके पर निगम के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने दुर्ग नगर निगम का प्रभार लेने के बाद विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल एवं कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीला से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान MIC के प्रभारी अब्दुल गनी ऋषभ जैन भी मौजूद थे। नए कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने अधिकारियों के साथ दुर्ग में हो रहे निर्माण कार्य जैसे इंटकवेल, पुलगांव डायवर्सन निर्माण गौठान, पुलगांव शंकर नाला गौरव पर जेल रोड, JRD स्कूल दीपक नगर, स्कूल ठगड़ा बांध, प्रधानमंत्री आवास अमृत मिशन योजना WTP विषय पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि नौ पदस्थ निगम कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ मुख्य कार्यालय में स्थित विभागों का निरीक्षण किया, जिसमें विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यों के प्रोग्रेस को लेकर भी जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने स्थापना शाखा में कर्मचारियों का वेतन ट्रांसफर, उनकी ग्रेजुएटी पेंशन प्रकरण की जानकारी ली। साथ ही बाजार विभाग से शहर में निगम की दुकानों और होने वाले आय की जानकारी भी ली। इसके बाद उन्होंने राजस्व विभाग के कार्य, राशन कार्ड निराश्रित पेंशन नामांकन कार्य, लाइसेंस शाखा में दुकानों के लाइसेंस की भी जानकारी ली। कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही विभागों को साफ सुथरा रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी विभागों में भ्रमण कर वहां किए जाने वाले कार्यों के प्रकरणों और फाइलों को लंबित नहीं रखने की हिदायत भी दी है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।